ये आप देख रहे हो, सुबह सुबह मैं यहाँ पे इवन कंघी तक नहीं मैंने किया हुआ है, बिल्कुल विदाउट मेकअप। ये मेरा फेस एंड ये बाल विदाउट कंघी भी मैं दिखा रही हूँ आपको पर्पजली। देखिए कितना आपको ये थिकनेस नज़र आया ना, कोई मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल हेयर ये वो नहीं लगाया है मैंने, जस्ट सी द थिकनेस हाउ इट ट्रांसफर्ड माई हेयर ऑन माई हेयर्स। एंड ये आप देखिए हल्का सा शाइन, एंड आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि कितना, आप देख सकते हो लेंथ कितना हुआ है। एंड ये थिकनेस जस्ट सी द शाइन बालों का, ये जो शाइन है एंड ये जो सॉफ्टनेस है बिल्कुल। मैं आपको ये स्टाइल से ये स्ट्रेटनिंग ये वो करके दिखा सकती थी, बहुत ज़्यादा शाइन मार जाते थे, लेकिन बिल्कुल रॉ मॉर्निंग का ये लुक मैं पर्पजली दिखा रही हूँ। ये मेरे हेयर में चेंज किस तरह आया है चलिए वीडियो में देखते हैं। एंड सॉरी फॉर दिस विदाउट मेकअप एंड विदाउट हेयर स्टाइलिंग में वीडियो बना रही हूँ पर्पजली, बिकॉज आपको ये मेरा ये छोटे मोटे वाइट हेयर्स हैं, चलिए उसको तो हम कलर कर ही सकते हैं, लेकिन बाल हैं तभी ये कलर या कुछ कर सकते हैं ना, तो बाल को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा मैजिक बालों के साथ किस तरह से हुआ चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वीडियो में आगे जाके। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। हम आज बालों के बारे में बात करने जा रही हूँ, एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लिपिंग देखा होगा किस तरह से मेरे बाल दिखते हैं विदाउट एनी हेयर कॉम्बिंग या स्टाइलिंग के बगैर, आप थिकनेस भी देखा होगा। तो किसको नहीं चाहिए कि हेयर अच्छे से ग्रो हो पाए एंड दो मोहे बाल या ड्राइनेस कम हो जाए, अच्छे बाल सिल्की शाइन करने लगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बाल रहे सिर के ऊपर जो है वो झड़े ना एंड ग्रोथ इम्प्रूव करना सभी चाहते हैं। इस चक्कर में ना हम माँ के नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे एंड आस पड़ोस के नुस्खे, जो भी हमें नुस्खे मिलते हैं या कोई भी प्रोडक्ट वो बोलते हैं ट्रस्ट करके, तो हम उन सब चीजों को हम ट्राई करते जाते हैं। तो कुछ तो फायदा मिले इसी नजरिया से हम उन सबको ट्राई करते जाते हैं। इसी तरह से मैंने भी सब लड़कियों के जैसे अलग अलग प्रोडक्ट में ट्राई करती रहती हूँ, जो मुझे मैं ट्रस्ट करती हूँ, जो मुझे मुझे प्रोडक्ट कोई भी अगर अच्छा या जेन्युइन प्रोडक्ट जो थोड़ा बहुत काम करने लगता है या मुझे अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है, तो डेफिनेटली मैं आपके सामने उसका रिव्यू डेफिनेटली करती हूँ एंड विदाउट एनी स्टाइलिंग के बगैर। जो जैसे मेरे बाल हैं, अगर मैं बैठूंगी तो वीडियो करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अच्छे से स्टाइल करके या स्ट्रेटनिंग करके शाइन वाला स्प्रे लगा के मैं बैठ सकती थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे बाल जैसे दिख रहे ये प्रोडक्ट यूज इस्तेमाल करने के बाद वही बाल आपको दिखे कैमरा में। इसीलिए मैं मेरे बालों को जस्ट ऐसे के वैसे ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये है मेरे बाल जो इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। मैंने भी ऑनियन ऑयल, हेयर ऑयल, जो भी नुस्खों का हेयर ऑयल होता है, हर्बल मेडिकेटेड ऑयल को मैंने देखा है और बहुत सारे यूज किया है। एंड यूजुअली मैं मेरे हेयर्स के ऊपर अलग अलग के हेयर ट्रीटमेंट करती रहती हूँ, हेयर केयर करती रहती हूँ, वो एवरी अल्टरनेटिव चलता रहता है। लेकिन मैंने खुद से एक नया प्रोडक्ट को सर्च करके चूज़ किया, एक ऑनियन हेयर ऑयल मैंने चूज करके 1 मंथ चैलेंज मैंने खुद से लिया है, तो वो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये है पॉजिटिव, ये इस तरह से बॉक्स में दिखता है, ये है पॉजिटिव रूट थेरेपी एडवांस ऑनियन हेयर ऑयल है। ये ऑनियन का बनाया हुआ तेल है। तो इसका पहले मैं आपको पैकेजिंग वगैरह दिखाती हूँ, बाद में इसके बारे में मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यू एंड मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से ये मेरे ऊपर काम किया है कि नहीं जेन्युइनली। तो चलिए देखेंगे पैकेजिंग, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका प्राइस है 999, अराउंड 1,000 रुपये। तो इसको अमेज़ॉन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, तो अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो प्राइस, ऑफ़र के हिसाब से प्राइस वेरी हो सकता है। तो ये अब मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। पैकेजिंग काफ़ी अच्छे से किया है उन्होंने ताकि लीक ना हो। तो ये है पैकेजिंग इसका।
अगेन एक बबल रैप के अंदर ये प्रोडक्ट आपको मिलता है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जो ये है, पॉजिटिव रूट थेरेपी प्लस एडवांस्ड ओनियन प्रूवन एसेंशियल ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स हेयर ऑयल। एंड यहाँ पे जो एस लिखा है वहाँ पे लिखा है प्रो सल्फर पर फॉर्मूला है, कैरेटिन बूस्टर हैं एंड प्री एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, 360 डिग्री हेयर केयर थेरेपी, नो पैराबिन मिनरल ऑयल एंड नो हार्मोन केमिकल्स यहाँ पे लिखा गया है। 200 ml का ये बॉटल है, ये न्यू इम्प्रूव्ड पैकेजिंग में इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे सारे आ गए हैं, ताकि सीसमी ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑनियन ऑयल, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, इस तरह से जो भी हेयर के लिए एसेंशियल हैं, आपको इमेज में दिखता होगा क्या क्या है, मैं आपको इमेज डाल दूंगी। तो इंग्रेडिएंट सारे हेयर रिलेटेड हैं। यहाँ पे आपको कॉशन या डिस्क्लेमर दिया गया है, स्टोरेज दिया गया है, एंड ये है मेड इन इंडिया, पैराबिन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स लिखा गया है। एंड ये न्यू एंड इम्प्रूव्ड फार्मूला के साथ ये पैकेजिंग आया हुआ है। तो बैक में आपको स्टेप टू यूज़ एंड द पॉजिटिव ऑनियन ऑयल एडवांस्ड प्लस प्रूवन एसेंशियल ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स हेयर ऑयल लिखा गया है, एंड स्टेप्स टू यूज़ लिखा गया है, एंड सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था इसका आउटर पैकेजिंग, जस्ट एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, ये न्यू इम्प्रूव्ड पैकेजिंग के साथ, ओल्ड पैकेजिंग अलग सा था, तो ये एक न्यू वर्शन के साथ, न्यू पैकेजिंग के साथ आया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको अगेन सील्ड मिलता है, तो सील हम ओपन कर लेंगे। ये स्टिकर अगर आपका ओपन है तो ऑलरेडी स्टिकर तो आप लीजिएगा, नहीं रिटर्न कर दीजिएगा। ये मेरा वेल पैक के साथ मेरा प्रोडक्ट रीच हो गया था, तो ये देखिए कितना प्रोटेक्टिवली इसको पैकेज किया गया है। एंड ये है ऑयल का बॉटल, एंड यहाँ पे कुछ एक लीफलेट है। ओके, ये है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिसिटी का आपको देखिए सर्टिफिकेट भी वो उन्होंने दे रखा है कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट के साथ इस तरह से चिट मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये पहली बार मैं देख रही हूँ। ऑथेंटिसिटी के सर्टिफिकेट भी भेज रहे हैं इसके साथ। ये अगेन आउटर एक प्लास्टिक कंटेनर के साथ, प्लास्टिक कवरिंग के साथ आया हुआ है। तो ये इस तरह सारा डिटेल्स अगेन वो एक इसके ऊपर भी प्रिंट किया हुआ है। 200 अगेन एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे लिखा गया है, 200 ml का प्रोडक्ट है, तो एक्सपायरी डेट भी इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ओनियन का यहाँ पे इमेज भी इन्होंने दिया है। चलिए इसको ओपन करते हैं, प्लास्टिक का शीट। ये एक पंप पैकेजिंग के साथ आया हुआ है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लास्टिक का बॉटल है ये, थिक प्लास्टिक, एंड देखिए कितना टाइट है। डेफिनेटली ट्रैवल फ्रेंडली है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है ये कैप इसका, एंड पंपिंग सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि डायरेक्टली आप स्काल्प के ऊपर भी ये पंप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो चलिए ऑयल देखेंगे किस तरह से है ये। ओके देखिए, वाओ, ये ऑयल इसको अप्लाई करते हैं। अब ये इसका कैप बहुत ज़्यादा स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली ट्रैवल फ्रेंडली है, एंड पंप, ओके पंप बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ज़्यादा एकदम से स्प्रे नहीं करता है। फ्रैग्रेंस बिल्कुल जैस्मिन फ्लावर जैसा ये फ्रैग्रेंस कर रहा है, बिल्कुल लाइट थिन है ये ऑयल, लाइट ग्रीनिश कलर काइंड ऑफ इसका टेक्स्चर है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। एंड अभी नॉर्मल जैसे हम ऑयलिंग का कुछ स्पेशल थेरेपी नहीं है यहाँ पे, जैसे हम सब लगाते हैं वैसे टिप फिंगर के टिप से मैं हेयर रूट्स को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, एंड यहाँ पे हेयर लेंथ के हिसाब से आपको ऑयल की ज़रूरत होगी। तो ज़्यादातर मैं हेयर रूट्स को फोकस करते हुए फर्स्ट में अप्लाई कर रही हूँ। आपको घिसना नहीं है, जस्ट अप्लाई कीजिए, एंड जस्ट रोटेशन आपको
मसाज करना है स्काल्प में ताकि हल्के से गर्मी पैदा हो, हीट से नर्व स्टिमुलेट हो एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। उसी तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट में यहाँ पे अगर चम्पी करने के लिए कोई नहीं है तो खुद से आप इस तरह से पार्ट बाय पार्ट लगा सकते हो। तो इट्स फ्रेग्रेंस इज सो गुड, इट्स वेरी नाइस एंड कामिंग है। तो इस तरह से मैं हेयर रूट्स को कॉन्सेंट्रेट करते हुए मैं अच्छे से मसाज दे रही हूँ। फर्स्ट आप अप्लाई कर लीजिए, बाद में मसाजिंग प्रोसेस शुरू कीजिएगा। जस्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ, अब मैं थोड़ा इसको मसाज देती हूँ स्काल्प को ताकि नर्व स्टिमुलेट हो जाए एंड जो भी हाथ पे बचा हुआ है मैं बाकी लेंथ के ऊपर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो मेनली फोकसिंग ऑन स्काल्प ओनली, तो ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। जैसे आप भी लगाते हो वैसे ही मैं भी लगा रही हूँ। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि ओवर नाइट मैं इसको अप्लाई करूँ। जो फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था मैंने डे टाइम अप्लाई किया था वीडियो, तो मैं होल डे एंड नाइट मैंने रखा हुआ था। फर्स्ट टाइम हो मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लिया है इसका, पैच टेस्ट ये वो कुछ नहीं, डायरेक्टली मैंने डे टाइम मैंने अप्लाई कर लिया एंड ओवर डे एंड नाइट मैंने छोड़ के नेक्स्ट डे एक्चुअली मैंने वॉश किया था। तो यूजुअली मैं नाइट स्मेल इज सुपर्ब। एक हेयर ऑयल में जो भी आपको हेयर ग्रोथ हेयर प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए सारे मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स अच्छे इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विथ ऑनियन एक्स्ट्रैक्ट के साथ। तो आपको डेफिनेटली झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नुस्खे लेके आओ या हर्ब्स लेके आओ। अगर आप घर में भी बनाना चाहते हो तो कितना आप डालोगे हर्ब्स, 5-10 या आपको मिल सकते हैं एंड सिटीज़ में वो भी नहीं मिल पाते, टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से उसका चिपचिपाहट एंड बैड स्मेल फ्रैग्रेंस वो सभी को झेलना पड़ेगा। एंड इन समर्स में अगर एक चिपचिपा ऑयल सिर पे ऊपर है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है। एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी होना चाहिए, अगर आप कहीं पे भी जाते हो ट्रैवल के लिए तो आपका हेयर केयर जो रूटीन है वो मिस ना हो पाए। इन सब के हिसाब से ये पैकेजिंग एंड ये हेयर ऑयल मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसका स्मेल फ्रेग्रेंस ये एक अलग चीज़ है एंड इसके साथ ये बहुत ही लाइट टेक्स्चर है, चिपचिपा नहीं है एंड आराम से ग्लाइड हो जाता है। ऊपर से ये इसका फ्रेग्रेंस माइंड ब्लोइंग है, तो डेफिनेटली ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड हमारा हेयर केयर भी रिज्यूम चालू रहता है तो ये कहीं पे भी हम स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये हेयर ऑयल। अब मुझे इस ऑयल को यूज़ करते हुए आई थिंक अराउंड 4 वीक्स कंप्लीट होने को आए हैं। 1 मंथ चैलेंज में लिया था तो एग्जैक्ट अराउंड एंड ऑफ द 4th वीक है। तो अब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के यूज़ करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक 50% तक मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। मुझे उतने सारे दो मोहे या स्प्लिट एंड्स नहीं है लेकिन डेफिनेटली ये जो एंड ऑफ द बाल थे थोड़े से मुझे ड्राई रहते थे तो ड्राई बिल्कुल ड्राइनेस हल्का सा कम हो गया, हल्का सा शाइन भी मेरे हेयर्स पे आ गया है। थिकनेस अगर आप ग्रोथ की बात करें ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे ये बाल जो हैं, आप इतने इतने छोटे छोटे बाल हैं, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके हेयर रीग्रोथ हो रहे हैं कि नहीं। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ होने लगा है, ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हेयर केयर रूटीन आप रेगुलरली करना पड़ेगा, महीनों आप अगर यूज़ करते हो तब जाके आपके बालों में ये अच्छे खासा इफेक्ट करने लगता है। एंड मैं आधा घंटा एक घंटा लगाने के प्रोसेस में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, जब भी मैंने ये लगाया हुआ है ओवरनाइट रखा है मेरे हेयर्स पे एंड इसके बाद मैं हमेशा से ही मैं माइल्ड शैम्पू यूज़ करती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल हर्बल शैम्पू ही मैं ट्रस्ट करती हूँ, उसमें मैंने मैक्सिमम मैंने मीरा या खादी के शैम्पूज ही मैंने यूज़ किए हैं। उसके बगैर अभी 2-3 महीने से मैं एक हर्बल पाउडर यूज़ कर रही हूँ, शिकाकाई का पाउडर, मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ वो पैक। तो ये है वो पैकेट, ये मेरे 3rd पैकेट हैं अभी, मैंने रीस्टॉक करके रखा हुआ। ये ब्रांड है हविंता ब्रांड से, ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो ये है हविंता ब्रांड का नेचुरल हेयर शैम्पू, ये अलग अलग दो आप यहाँ देख सकते हो क्या क्या है इंग्रेडिएंट इसमें है।
या कोई इमेज स्क्रीन के ऊपर मिलता जाएगा। ये आमला रीठा शिकाकाई पाउडर है ये, एंड यहाँ पे है आमला रीठा शिकाकाई मेथी दाना का पाउडर, मेथी दाना, इसको एक्स्ट्रा मेथी दाना ऐड किया हुआ है। तो इन दोनों में से मैं इवन हमारे घर में सारे मेरे बच्चे को भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो ये माइल्ड भी रहता है, जेन्यून रहता है, एंड ऑर्गेनिक एंड नेचुरल तरीका है इसमें। इस अगर आप इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करते हुए कह सकती हूँ, जब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना होता है तो वीकली मैं कंपलसरी एक बार मीरा या खादी का शैम्पू यूज़ करती हूँ, एंड एक बार कंपलसरी मैं इस पाउडर को यूज़ करती हूँ। अगर इस पाउडर को, अगर सिकाकाई पाउडर को यूज़ करते हो ना, तो बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं, क्योंकि ये जस्ट स्काल्प को स्क्रब करता है, क्लीन अप करता है डर्ट को, लेकिन बालों से या रूट से जो भी है ऑयल को पूरा ही बाहर नहीं निकालता। इसी की वजह से आप देख सकते हो पूरा मेरे बाल अभी भी बिल्कुल एकदम ड्राई जैसे नहीं हुए। शैम्पू यूज़ कर जैसे करते हैं करने के बाद होता है, उस तरह से नहीं होता है। तो इसी की वजह से मे बी ये दोनों ही काम कर रहे हैं, मुझे आई डोंट नो, लेकिन आई ट्रस्ट अगर आप कोई जेन्युइन ये ऑयल भी यूज़ करें तो उसके साथ में शैम्पू भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अदर देन दिस, आपको कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है या थायराइड हो, हार्मोन इम्बैलेंस हो, स्ट्रेस हो, या अदर कोई भी एनीमिक जैसा प्रॉब्लम, या कोई भी मेडिसिन लेते हो तो उसका भी साइड इफेक्ट सही बाल झड़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ही काम करेगा, इंटरनल का भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी हो इस तरह से वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ में आपको रेगुलरली आपको हेयर केयर रूटीन में इस तरह के ऑयल्स को या ऑयलिंग को आपको रेगुलरली करना है। लेकिन ऐसा नहीं एक दिन किया चार दिन छोड़ा, ऐसा नहीं है। मैं पंचुअली एवरी ऑल्टरनेट नाइट में इसको अप्लाई करती ही करती हूँ, हल्का मसाज करती हूँ। एंड इसका बेस्ट थिंग है कि इसका जो स्मेल है जस्ट वाओ, जस्ट लाइक जैस्मिन, एंड ये एक एरोमा थेरेपी के जैसे ही काम करता है। इवन मेरा बेटा भी इस स्मेल की जैसा वजह से वो भी लगाना पसंद करता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एरोमा थेरेपी, सूदिंग है एंड माइंड ब्लोइंग, जो जस्ट कामिंग है। तो डेफिनेटली ये मैं ट्राई कर रही हूँ, ऑलरेडी ट्राई किया है, अभी भी मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी, अगेन रीपर्चेज डेफिनेटली करूँगी। तो अगले एटलीस्ट 6 to 7 मंथ तो एटलीस्ट मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो क्योंकि मुझे एक ही मंथ में इतना फर्क दिख रहा है, तो लेटर ऑन देखेंगे, अगर एक्सट्रीम मुझे अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगा तो आगे मैं और एक वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी ज़रूर। तो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर। मैं जब अगर मुझे पूछा जाए तो अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हो या ग्रोथ करना चाहते हो तो इस ऑयल को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो आप भी। एंड तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, एंड ये था मेरा रिजल्ट। आप सामने देख रहे हो मेरे बालों का ग्रोथ बिफोर आफ्टर दिखाने में, या हर बार का लगाने का प्रोसेस दिखाने में कुछ फ़ायदा नहीं है। आप खुद जज कीजिए इसको ट्राई करना है कि नहीं। मेरा ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो ज़रूर मैं रेकमेंड कर सकती हूँ इस ऑयल को। अगर आपके ऑयल हेयर ग्रोथ रीग्रोथ करना चाहते हो, हेयर टेक्सचर में चेंज लाना चाहते हो, तो ज़रूर इस ऑयल को आप एक बार ट्राई दे सकते हो। अभी तो ऑफ़र में भी आपको काफ़ी कम दाम में ये मिल रहा है अमेज़ॉन पे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस प्रोडक्ट का लिंक आप चेक कर सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू या मेरा ओपिनियन अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पे, एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।